अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कैरेमल मावा पुडिंग। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध लेंगे, एक पैकेट लेंगे चाइना ग्रास का, 100 ग्राम्स मावा लेना है, 8 टेबलस्पून शक्कर लेंगे और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून बटर। पहले हम चाइना ग्रास को पानी में सोक कर लेंगे 10 मिनट के लिए। 1/4 कप पानी डालेंगे, 3 टेबलस्पून शक्कर डाल के कैरेमल बना लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बटर डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और कंटिन्यूसली हमें चम्मच हिलाते रहना है और इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना आपका कैरेमल जल सकता है, और ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो कैरेमल कड़वा हो जाएगा, तो आपको इसका ध्यान देना है। जब तक हमको गोल्डन कलर ना मिल जाए तब तक हम ये इसे पकाते रहेंगे। ये हमें गोल्डन कलर मिल गया है, इसके अंदर हम 1 कप दूध डालेंगे। पहले ध्यान से डालना है वरना ये इसका छींटा उड़ता है, आपको ध्यान देना है। बाकी का रिमेनिंग दूध भी डाल देंगे हम। कैरेमल सेट हो जाता है दूध डालने के बाद में इस तरह से, देखिए, लेकिन बाद में ये डिजॉल्व हो जाएगा दूध के अंदर। इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मावा डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। शक्कर डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इसे जब तक पका लेंगे जब तक कि शक्कर इसके अंदर से अच्छी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। हमने चाइना ग्रास को जो सोक करके रखा था इसका पानी को हम चेंज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वरना आपका दूध फट सकता है। इसका पानी 2-3 बार चेंज करने के बाद 3 कप पानी डाल के हम चाइना ग्रास को फिर से सोक करेंगे। इसे हम अभी पका लेंगे दूसरे बर्तन में, जब तक चाइना ग्रास अच्छी तरह से डिजॉल्व ना हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहेंगे। एक उबाल आने के बाद देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये अच्छी तरह से इसका डिजॉल्व भी हो गया है चाइना ग्रास। फिर इसके अंदर दूध डाल के हमें कैरेमल मिल्क डालना है और अच्छी तरह से इसे स्टिर करते रहना है। दूध डालने के बाद आप इसे पकाएंगे नहीं, वरना इसका दूध फट सकता है, तो आपको इसका ध्यान देना है। सेटिंग डिश में इसे डाल लेंगे। हमने मट्टी की सिकोरी ली है, इसके अंदर भी डाल के इसे सेट कर लेंगे और बादाम के साथ में इसे गार्निश कर लिया है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर सकते हैं। कैरेमल मावा पुडिंग तैयार है। इसे हम फ्रिज में रखेंगे 1-2 घंटे के लिए। इसके बाद आप इसे डिश आउट कर सकते हैं।